हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी हमारे यहाँ, मतलब हमारे घर में हमसे जितना बन पाता है, जितना कोशिश कर पाते हैं, उतना हम करते हैं और करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये जन्माष्टमी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, आई होप अच्छा ही जाए। और ऐसे तो हम कभी पहले का जन्माष्टमी का ब्लॉग या फिर कुछ भी शेयर नहीं किए हैं, लेकिन इस बार मन हो गया शेयर करने का, तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ बता देते हैं कि जैसे हम रक्षाबंधन में मायके गए हुए थे, तो रोज़ आजकल हो रहा था, बट आज हम आ पाए हैं। और आज जन्माष्टमी है और अभी हम 10:30 बजे मायके से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं मायके। और यहाँ का व्यू सच में इतना अच्छा होता है ना, सभी लोग उतर उतर कर पिक्चर लेते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं, सभी लोग मतलब व्यू लेने के लिए यहाँ रुकते हैं। और ये जो मोटे मोटे पाइप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ का गंगा जी जो है वहाँ का जल जा रहा है देवघर, इसीलिए मोटे मोटे पाइप लगाए। फर्स्ट व्यू ले लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आने के बाद हम चल गए थे मार्केट। मार्केट से आने के बाद कुछ ज़्यादा मतलब थकावट हो गया था शरीर में, और वहाँ से आने के बाद क्या ही बोले, मतलब जल्दीबाजी में पूजा किए, इतना जल्दी जल्दी पूजा किए, हम क्या ही बता सकते हैं। तो थोड़ा सा भी डेकोरेशन किए थे, मतलब ये डेकोरेशन मतलब किए थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो पाया हमसे उतना किए। क्या हुआ ना, हम मार्केट गए, मार्केट से मतलब मार्केट जाने का कारण था क्योंकि हम यदि घर में रुक जाते ना तो फिर पूजा में मेरा लेट हो जाता, और इस वजह से घर में फल वगैरह भी नहीं था, तो कम से कम हमको 5 फल चाहिए था चखाने के लिए, और कुछ सामान भी चाहिए था जो भगवान को अर्पित होता, तो इसीलिए हम चल गए मार्केट। मार्केट से आने के बाद फिर हम यहाँ पे पूजा जल्दीबाजी में किए, और जैसे हो पाया हम किए। और रात्रि का पूजा उम्मीद करेंगे कि अच्छे से हो हमसे। और यहाँ पे आज फिर दोपहर में सोना बाबू को यहाँ रेडी किए। क्या होता है, प्रत्येक बार हम दोनों बच्चे को रेडी करते हैं, और वो हम जन्माष्टमी को ही करते हैं, पहले और बाद में नहीं करते हैं। क्या होता है ना कि जन्माष्टमी के दिन हमारा फास्ट होता है और उस दिन ज़्यादा काम होता नहीं है, इस वजह से एक छोटे से अम्मू का यदि देखा जाए तो छोटे से ही पिक सब मेरे पास है, कभी हम अस्थिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और छोटू का भी है, चाहे राधा हो चाहे कृष्ण हो, हम दोनों बच्चे को प्रत्येक बार सजाए हैं। एक बार का क्या हुआ था, शायद ना वो मोबाइल जो था मेरा, वो मोबाइल सितंबर में जैसे होता है, सितंबर अगस्त में हुआ था, और हम जस्ट गए थे कॉलेज, न्यू में ही मोबाइल खो गया था, तो इस वजह से मतलब गिर गया था या खो गया था या किसी ने चोरी कर लिया था, तो उस सारी चीज़ का ना फोटो मतलब उसी में रह गया था और हम कहीं शेयर भी नहीं कर पाए थे। दरअसल हम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं थे उतना, और उतना हम शेयर नहीं करते थे, और इस बार भी हम कहीं भी शेयर नहीं किए हैं इसीलिए। और बच्चा ना इरिटेट हो गया था पूरा एकदम, मेरा बच्चा अब बोल रहा था अब खोल दो मम्मा, अब खोल दो इस तरह से। इसके बाद फिर बच्चे को तैयार वगैरह कराने के बाद फिर हम खोल दिए, और ज़्यादा कुछ किए नहीं थे, हल्का फुल्का ही रेडी किए थे। और बड़े वाला का तबीयत ख़राब था, लेटरिन किए जा रहा था, 2-3 बार लेटरिन किया, इस वजह से हम उसको इस बार नहीं तैयार किए। और क्या है ना, हम भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए हमको भी बिल्कुल भी मन नहीं किया कि छोड़ो, और फास्ट में था, और आज ना पता नहीं क्यों फीवर टाइप का लग रहा था आने के बाद, थकावट हो गया था। और वहाँ से हम कल ही आने वाले थे दरअसल, लेकिन कल ना वहाँ पे शिव चर्चा का कथा रखा गया था, भाभी रखी थी, और वो बार बार बोल रही थी चलिए चलिए, तो ना मतलब क्या होता है, यहाँ से तो शिव भगवान का चर्चा, शिव चर्चा में जाना तो हमसे बनता नहीं है, मतलब बनता क्या है, हम यहाँ से कोई नहीं जाता है, तो हम कैसे जाएँ, यहाँ की बहू हैं और यहाँ उतना हमको पता भी नहीं है कहाँ क्या होता है, जिस वजह से हम नहीं जा पाते हैं शिव चर्चा वगैरह में। मंदिर में होता है शायद, लेकिन हम कभी गए नहीं है, इस वजह से नहीं जाते हैं। और हमारे वहाँ मंदिर में ना हमेशा होता है, मतलब प्रत्येक सोमवार को तो होना ही है, और बीच वाला डे में कोई ना कोई करवा ही देता है, जैसे मंगल, बृहस्पति या फिर गुरुवार या शुक्रवार। और जब से हम गए हैं
तब से मतलब कंटिन्यू, सोमवार को हम यहाँ से गए हैं और सोमवार से ही मतलब कंटिन्यू वहाँ पे शिव चर्चा होता है, तो इसीलिए मतलब और उतना दिन हुआ लेकिन हम एक दिन भी नहीं गए, लेकिन इस बार ना मतलब भाभी का घर में हो रहा था और ज़बरदस्ती ही भाभी लेके गई, इसीलिए हम गए और तैयार हो के गए थे कि उधर से हम उसी डे रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन ना मतलब होते होते पता नहीं चला समय का, 5:30 बज गया और हम वहाँ से रिटर्न नहीं आ पाए। आने के बाद हम गाड़ी भी देखे बट मिला नहीं, और रात भी हो गया था, अकेले लेडी 2 बच्चे को लेके मतलब आना हमको सही नहीं लगा। मम्मी काफ़ी ज़्यादा बकने लगी और डांटने भी लगी, और मतलब आस पड़ोस के लोगों भी काफ़ी ज़्यादा डांटने लगी, इतना रात को जाना क्या ज़रूरी है, कोई तुमको कोई अर्जेंट काम नहीं है, उतना दिन से रह ली और एक रात रह लो, यही सब वगैरह वगैरह सारे लोग बकने लगे, इस वजह से रात को नहीं आए, इसीलिए हमको सुबह आना पड़ा जल्दी में हड़बड़ा कर नहीं सुबह उठे और फास्ट था ही, मम्मी बोलने भी लगी कम से कम शरबत पी लो, लेकिन क्या है ना हमको यहाँ भी पूजा करना था, इस वजह से हम जल्दी से आए और इसीलिए थोड़ा लेट ही हो गया, कितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है। तो यहाँ आने के बाद सारे घर का काम वगैरह आधा अधूरा तो हस्बैंड जी कर दिए थे और जो बाकी था वो हम किए, और यहाँ पे हम सारे मतलब अरेंज किए जो भी था अपना, जैसे हो पाया हमसे जितना हो पाया उतना हम करने का कोशिश किए हैं, और फिर ये सब कुछ कुछ सामान था। और यहाँ पे ना हम अन्न का भोग ना लास्ट में लगाते हैं, लेकिन आप कुछ भी कीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाता है, तो अन्न का भोग लगा देने का सोच रहे थे। क्या है ना अभी समय थोड़ा सा लेट था, 10 मिनट ही लेट था, तो हम सोचे पहले भोग लगा देते हैं इसके बाद फिर कुछ करेंगे। और यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ पे रखे थे कृष्ण भगवान को ना ढककर और हम खीरा रखने भूल गए थे, तो फिर हम लास्ट में खीरा भरे, मतलब अभी 10 मिनट टाइम है तभी हम खीरा भरे, तो कोई नहीं ऐसा हो जाता कभी कभी भूल जाते हैं कोई चीज़ करने। और यहाँ पे सारी चीज़ ना प्लास्टिक में था तो दिख भी नहीं रहा था कि हम इजी कर ले, पहले क्या होता था ना हम निकाल के रख देते थे सारे चीज़ एक प्लेट में और फिर भोग लगाते थे, लेकिन अभी क्या है ना कि मतलब थकावट के वजह से या फीवर के वजह से कुछ भी बोल दीजिए मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। और अभी ना हम जगे हुए थे ही, सोए भी नहीं थे कि हमको अच्छा नींद की वजह से ऐसा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम सोचे पहले भोग लगा ही देते हैं, भोग क्या मतलब रख देते हैं सामने और फिर बाद में ना कृष्ण भगवान का भोग मतलब चखा देंगे। तो अभी हम सारे चीज़ जो लाए थे वो सब रख देते हैं, अभी 10 मिनट बाकी था जन्म लेने में तो जो भी था। और फिर यहाँ पे हम मतलब जितना भी मिठाई लाए थे, जितना हमको मिला, जितना मार्केट में था सारा मिठाई हम उठा के ले आए थे। और यहाँ पे ना मतलब एक चीज़ हमको नहीं मिल रहा था, वो था पेड़ा और ये रसमलाई, वो 2 चीज़ हमको नहीं मिल रहा था, रसमलाई नहीं ही मिला, हम सारे दुकान खोज लिए और लास्ट में पेड़ा मिला हमको और ताज़ा ही मिला, लेकिन रसमलाई नहीं मिला। खैर कोई नहीं, जितना है उतना में ही लगाते हैं, बहुत जगह 56 भोग भी लगता है बट हम 56 भोग नहीं लगाए हैं अभी तक। और क्या है ना कि हमसे जितना हो पाता है, हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, हमसे जितना फल या फिर जितना चॉकलेट वगैरह है, और हमारे पास चॉकलेट बहुत ज़्यादा है, अभी मायके से भी आए हैं लेकर आए हैं और पहले का भी है फ्रिज में रखा हुआ, और इनके पापा मार्केट जब भी जाते हैं चॉकलेट लेकर आते हैं, बहुत सारा फ्रिज में रखा हुआ, बहुत सारा फल भी फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन हम फ्रिज का सामान इस्तेमाल नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं। हम लोग ना नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभी नहीं कभी पहले भी खाते हैं, मतलब हमको बोलना नहीं चाहिए था इस ब्लॉग में लेकिन बोलना पड़ रहा है। तो क्या होता है ना फ्रिज उसका यूज में चल गया है, तो इस वजह से उसका सामान हम लोग यूज नहीं करते हैं, और हम तो नहीं करते हैं, और घर का बर्तन वगैरह भी या फिर गैस चूल्हा कुछ भी हो सारी चीज़ हमारे यहाँ ना मतलब नॉन वेज में इधर उधर हुआ पड़ा है, तो इस वजह से हम नहीं यूज करते हैं। और मतलब जैसे कि अभी तो सावन था तो इस वजह से हुआ नहीं था कुछ भी, उससे पहले हुआ था लेकिन फिर भी एक रुचि होती है अभी दर से ना वो ख़त्म हो गई है। खैर इन सब बातों को रहने देते हैं, इस वजह से हम पूरी बहुत कुछ बनाना चाहते हैं जैसे पूरी सूजी खीर सेवई ये सब, लेकिन बना नहीं पाते हैं, यही कारण है मेन। जो भी है खरीद कर ही कर देते हैं फल वगैरह से या मिठाई वगैरह से,
जब होगा और भगवान ने चाहा तो हम उनका 56 भोग लगा के पूजा करेंगे। अभी फिलहाल जितना सकते उतना करते हैं, हर चीज़ का रुचि होता है, नहीं तो कोई बात नहीं। खैर छोड़िए, जितना है उतना में ही संतुष्टि रहते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। और यहाँ पे हम ना मतलब 7 बजे सोचे थे ढकेंगे, बट हम ढक नहीं पाए थे, छोड़ दिए थे। और कितना बजे ढके हमको खुद याद नहीं है, और आके हम सिर्फ ढक दिए थे और खीरा रखने भूल गए थे। तो 10 मिनट बाकी था तो खीरा रखे आप लोगों के सामने। इसके बाद हम यहाँ पे कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले दही, मतलब कुछ भी, पहले कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ दही डालें, दूध डालें, इसके बाद फिर हम यहाँ पे मधु डालेंगे, यानी कि शहद। बोलचाल के भाषा में मधु बोलते हैं, ये शहद है, शहद डालेंगे। इसके बाद फिर हम हरिद्वार से गंगा जल जो लाए थे, तो ये हरिद्वार का गंगा जल है, तो हम वो डालेंगे। मतलब 5 किस्म का होता है और उसमें एक तुलसी पत्ता डाल देते हैं तो 5 किस्म का हो जाता है। और शायद कुछ डाला जाता है या नहीं, हमको नहीं मालूम है। मतलब हम जैसे करते हैं उसी टाइप से कर देते हैं, सबका अपना अपना होता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवा के श्री नारायण को हम लोग ऊपर मतलब उठा लेंगे और उन्हें प्यार से अपने आँचल में बिठा लेंगे, छिपा लेंगे। इसके बाद उनको पोछेंगे अच्छी तरह से और उनका नए वस्त्र धारण करवाएंगे। ये हम करते हैं और इस बार भी किए हैं। और ये नए वस्त्र है, एक वस्त्र सुबह स्नान करवा के ही पहनाया जाता है और एक वस्त्र शाम को पहनाया जाता है। नहीं है तो वही वस्त्र पहना दीजिए, लेकिन मतलब शाम को, मतलब या फिर नहीं, शाम को ही स्नान करवा के पहनाइए। क्या होता है, सुबह तो हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन रियल में शाम को ही जन्माष्टमी मनाया जाता है, रात को ही उनको स्नान वगैरह अच्छा से करवाया जाता है। सुबह आप करवा चुके हैं, फिर भी पहले हमारे यहाँ हमारे घर में मतलब हम करते थे तो उतना ये नहीं करते थे, शाम को ही करते थे डायरेक्ट। सुबह भी पूजा कर देते थे यूँ पूजा का जैसा, और शाम को इनको अच्छे से स्नान वगैरह करवा के वस्त्र धारण करवा के और फिर इनको मतलब तैयार करवाते थे, जो भी है मतलब श्रृंगार करते थे और जितना हो सकता था भोग वगैरह लगाते थे। लेकिन इस बार हम तो अब पहले भोग रख दिए हैं, अभी तो लगाए नहीं हैं, मतलब रख दिए हैं उनके आसन के पास। और अभी हम यहाँ पे ना मतलब श्रृंगार कर रहे थे और 2 वस्त्र हम लेकर आए थे, तो एक वस्त्र सुबह पहनाए थे और एक वस्त्र अभी, और जो वस्त्र उतारे हैं वो फिर धोकर रख देंगे, ताकि जब भी हम, और पहले का कृष्ण भगवान का बहुत सारा ड्रेस है, तो जब भी हम इनको स्नान करवाएं तो वो वस्त्र धारण करवाएं। और फिर बाल वगैरह टोपी वगैरह लगवा दिए, याना सारा कृष्ण भगवान का येलो येलो हो गया था, और थोड़ा टोपी ना ढीला टाइप का है, उसके भीतर रुई भरे हैं फिर भी वो गिरने गिरने टाइप का हो जाता है। तो यहाँ पे हम रेड कलर का माला लाके पहना दिए, और माला भी ना कृष्ण भगवान का येलो ही था, तो फिर हम यहाँ पे पहना दिए। और यहाँ पे मुरली है जो कि कृष्ण भगवान का शान है, प्राण है, और ये हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। और सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इनका रूप। इसके बाद हम इनको ले जाके बैठा देंगे, आरती करेंगे और फिर हम यहाँ पे भोग वगैरह लगवाएंगे। इसके बाद हम इनको झूला झुलाएंगे, लास्ट में लगाते हैं, मतलब लास्ट में झूला झुलाते हैं, पहले झूला नहीं झुलाते हैं हम, मतलब सभी चीज़ हो जाता है तो फिर हम करते हैं। सब कोई अपने अपने तरह से करता है, अपने जैसा करता है। तो यहाँ पे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे हम करेंगे आरती का तैयारी, जो कि हम पहले ही दीपक में सारे चीज़ रख दिए थे, तेल वगैरह, और उसमें भर लिए थे। यह क्या हो रहा था ना, दीपक मतलब पंचमुखी दीपक है, और यहाँ पे ना जैसे रख रहे थे मतलब छोटा छोटा थोड़ा दीपक है, तो छोटा हो रहा था और वो ना लग रहा था तुरंत वो ख़त्म हो जाएगा, तेल डाल रहे थे ना नीचे गिर रहा था, तो वो सही से हो नहीं रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था। और इस साइड से हवा चल रहा था जिस वजह से लग रहा था बुझ जाएगा, लेकिन बाद में हम दरवाज़ा बंद किए, इसके बाद फिर दिया कंटिन्यू चला।
मतलब वो जला। और आज की रात श्री कृष्ण भगवान जी जन्म लिए थे, तो वो वृंदावन में सॉरी मथुरा में काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान और बरसात भी हो रही थी, और मतलब सभी लोग उस समय सो रहे थे और हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए ये ना मतलब रात में ही हम लोग मनाते हैं। और आज सच में हवा काफ़ी तेज़ था, पर बारिश और मतलब बिजली वगैरह नहीं कड़क रहा था, लेकिन हवा था और ना ही चमके तो अच्छा है। और पता है हमारे घर में ना रेड रोज़ भी मतलब अड़हुल जिसको कहा जाता है, अड़हुल का फूल तो दो तीन प्रकार का है, सारे फूल फूल खिले हुए हैं और वाइट फूल भी खिले हुए हैं और रेड रोज भी खिला हुआ है, लेकिन जब हम तोड़ने गए ना तो मन में आया अभी नहीं तोड़ते हैं, दो तीन घंटे बाद तोड़ेंगे ताकि वो मुरझाए ना और उसको हम जगाएं अच्छे से। लेकिन हुआ क्या, मतलब समय तो कब बीता हमको पता ही नहीं चला, और ऊपर से क्या हुआ ना कि हम वो सब फूल के तोड़ने के बारे में सोचे बट हम तोड़ नहीं पाए, वो पेड़ में ही रह गया। और मतलब शाम होने के बाद याद आता है कि फूल भी तोड़ना है, लेकिन तभी मन नहीं किया। क्या होता है शाम होने के बाद कोई भी पेड़ नहीं छुआ जाता है, मतलब हम लोग इधर नहीं तोड़ा जाता, इस वजह से हम नहीं तोड़े। और यहाँ कुछ फूल है ना वो हम मायके से ही लेकर आए हैं, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे वाइट वाइट फूल है, और कृष्ण भगवान को वाइट फूल ही मतलब लगता है, लाल फूल भी लगता है लेकिन वाइट फूल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वाइट फूल था तो हम ले आए, काफ़ी ज़्यादा लाए तो उसी से हम सुबह भी पूजा कर लिए, शाम को भी पूजा कर लिए। सुबह थोड़ा कम डाले थे ताकि उतना दिखे नहीं, शाम का ज़्यादा जरूरत था तो इस वजह से हम डाले। और यहाँ पे ना सूट करने वाला कोई भी नहीं था मेरे पास, हम अकेले गए हुए थे और हम सोए भी नहीं थे, मतलब रात भर जगे ही जगे रह गए हैं, तो सूट करने वाला कोई नहीं था या मोबाइल पकड़ने वाला था। और आप लोग जानते हैं कि आज ही हम आए हैं, ट्राईपॉड भी नहीं मिल रहा था, कहाँ रखे हुए हैं कि मोबाइल हम सही से रखें देखें, और मतलब पता ही नहीं चला। सोचे ढूंढेंगे ढूंढेंगे करते करते समझ में नहीं आया, और जब हम ढूंढने का समय आया तो देखने मच्छरदानी लग चुका है उसके उस साइड है, तो फिर हम छोड़ दिए, हम बोले जैसे तैसे भी सूट हो जाए तो हो जाए, उतना ये नहीं है, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना था, इस वजह से सूट कर लिए। और अभी तो मतलब पूजा वगैरह हो के आरती भी हो गया है, अब बारी है धूप का, धूप दिखा देंगे और इसके बाद फिर भोग जगा उगा के फिर मतलब छुट्टी हो जाएगा। और ये ना भले ही वीडियो में मतलब 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आप लोग यकीन मानिए ये करते करते एक डेढ़ बज जाता है रात, मतलब 11:30 बजे से लेके 11:30 बजे हम नहीं गए थे, हम भी गए थे थोड़ा लेट से, 11:40 में शायद ऊपर गए थे, और मतलब करते करते एक डेढ़ बज जाता है। इसके बाद सभी लोग पंचेरी या कुछ बोला जाता है उसको, उससे फास्ट तोड़ते हैं, बट हम नहीं, हमको जो भी भोग मिल जाए वही उसी से फास्ट तोड़ लेते हैं। और हम एक केला हर बार लिए हैं और केला से ही फास्ट तोड़े हैं, तो जैसे कि रात को खाना खाया भी नहीं जाता है कि आप कम मन करे तो बहुत ज़्यादा खा लिए, बिल्कुल ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, हम एक बहुत होगा तो एक मिठाई एक केला या फिर दो केला खा के और पानी पी के आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के देखा जाता है। अब तो पहले क्या था ना, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो आराम से सोए रहते थे, लेकिन अब तो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके कारण उनको सुबह उठना पड़ता है, फिर उनका नाश्ता वगैरह सारी चीज़ बना के देना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब प्रॉब्लम क्या मतलब थकावट फील होने लगता है, और जैसे कि फास्ट रहने के बाद तो समझ में आ ही जाता है। तो कुछ नहीं, जो भी है सब ठीक है, और भगवान से यही उम्मीद करते हैं और यही प्रे करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, और हम हमेशा आपका आपके लिए मतलब जन्माष्टमी हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाएं जितना मेरा सामर्थ्य है, और आप जितना दीजिएगा उससे उस तरह से खुशी हम मनाएंगे। तो यही हम भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे का स्वास्थ्य, और हमें सभी लोग मतलब इस संसार का सभी लोग का कष्ट जो है दूर कीजिए,
करुणा कीजिए, दया कीजिए थोड़ा हम दुखियारन के ऊपर। हम लोग आप ही के दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं, थोड़ा दया कृपा कीजिए हम सभी के ऊपर और सबका विनती स्वीकार कीजिए प्रभु। यही मांगते हैं हम आपसे और हर वर्ष इतना हिम्मत दीजिएगा कि हम आपका ये पर्व नहीं सब भी पर्व धूमधाम से मनाएं। और आप लोगों को एक बात पता है कि ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी का जो त्यौहार है ना, वो जो करते हैं ना, वो कितने करोड़ एकादशी के बराबर एक सिर्फ जन्माष्टमी होता है। जो हमारे हिंदू धर्म में एकादशी जो होती है, मतलब बहुतों का घर में होता होगा और वो एकादशी हो किया भी जाता है, तो वो एकादशी सभी लोग करते हैं ना। तो हमने ये सुना है, आज ही ये वीडियो हमने देखी है, प्रेमानंद महाराज जी बता रहे थे कि कितना एकादशी करने के बाद जन्माष्टमी जैसा सुख मिलता है। मतलब जन्माष्टमी का एक जन्माष्टमी उतना एकादशी के बराबर होता है। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और लगा कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे जन्माष्टमी। मतलब जब तक शक्ति है, समर्थ है, हिम्मत है, तो हम जरूर करेंगे। और यहाँ पे सभी भोग ठाकुर जी को लगा दिए हैं। और एक बात ये भी है कि आप भोग जब कृष्ण भगवान को लगाए ना, तो राधा जी को जरूर दीजिए। मतलब राधा जी को भी दीजिए ताकि कृष्ण भगवान संतुष्टि से ये भोग स्वीकार करें और वो खाएं। ये अधूरा रहता है राधा के बिना, तो इसीलिए। और उसमें तो तुलसी पत्ता जरूर डालें ताकि पेट भरता है सभी का। इसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी है सभी हम प्रे करके मांगे। अपना अपना मन्नत सबका होता है और वही मांगे। और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा सोच के क्या होता है धूप वगैरह जला लेने के बाद ना, मतलब वहाँ पे हम जब तेल डाल रहे थे ना, तो पूरा गीला हो चुका था। वहाँ का जितना सामान था वो सब कुछ साफ करना था। और आप लोग देखे होंगे कि सारा प्लास्टिक वगैरह इधर से उधर हुआ था, वो सब भी करना था। और ना यहाँ पर ना जब आरती हो रहा था और सभी चीज़ जब हो रहा था, तभी हम मोबाइल में सॉन्ग लगा के रख दिए थे। इतना अच्छा अच्छा सॉन्ग दे रहा था ना, सच में लग रहा था कि कृष्ण भगवान जन्म लिए हैं। हम पता नहीं कहाँ से वो सॉन्ग सब आया था मेरे मोबाइल में और वो सब सॉन्ग सब चल रहा था। तो अब ये यदि सॉन्ग यदि हम डाल देना तो कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से हम सॉन्ग नहीं डालेंगे। तो मतलब वही बात है ना कि कॉपीराइट ना आए, तो इसीलिए हम नहीं डाल रहे हैं। और बहुत अच्छा अच्छा गाना सब था जो कि रात को बजा रहे थे। पूरे 1.5 से 2 घंटे हमने गाना सुना और फिर कृष्ण भगवान का पूजा भी किए और काफ़ी अच्छा लगा। उमंग से हंसी खुशती, मतलब खेलते खेलते कब पार हो गया पता ही नहीं चला कृष्णा जन्माष्टमी। और ये है ना कि मतलब कैसे भी था हमको बिल्कुल भी पता नहीं चला, आने जाने या फिर थकावट भूख प्यास कुछ भी नहीं लगा था। काफ़ी अच्छा से इस बार बीता और जो चाह रहे हैं वो पूरा होगा जरूर। मन में बहुत आसरा है कि श्री कृष्ण जी को 56 भोग लगाएं, बट होता नहीं है। भगवान शक्ति और समृद्ध देंगे तो अगली बार से हम 56 भोग जरूर लगाएंगे। अभी जितना हो सका उतना हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ बोलते हैं, यदि आप लोग कहीं भी कैमरा से पॉजिटिव चीज़ देख के सीख रहे हैं तो उसे सीखिए, और यदि नेगेटिव चीज़ है कोई भी तो उसे छोड़ दीजिए, मत सीखिए। देख लीजिए बट सीखिए मत। तो कुछ कुछ चीज़ हम मोबाइल से सीखे हैं और कुछ कुछ चीज़ जो हमें खुद आता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा।